कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स विच इज़ यूज टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सेट ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स। अब ये स्किल्स क्या क्या है? सारे सॉफ्ट स्किल्स इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। लिसनिंग होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ओके। एंड यू हैव टू बी वेरी मच अनबायस्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स वी विल टॉक अबाउट। एक टीम में अगर टीम मेंबर्स है बहुत सारे, ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन अ टीम, तो ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके यू नो थॉट प्रोसेस, पर्सपेक्टिव सारे अलग अलग होंगे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो क्लैश हो जाते हैं। तो इन दैट केस एंड इट इज़ वेरी मच नेचुरल, तो एज अ लीडर ओके यू नीड टू नो कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, राइट। देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब इंट्रा पर्सनल जो होता है वो हमारे दिमाग में ही होता है, हम ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंटरपर्सनल जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों में होता है। इंट्रा ग्रुप जो होता है वो एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच होता है, और इंटर ग्रुप जो होता है वो दो मेंबर्स, दो ग्रुप के मेंबर्स के बीच होता है। एवरीवेयर यू नीड टू सॉल्व देयर वुड बी अ लीडर, ओके, एंड इन केस